आज गर्ल्स एमएलबी स्कूल में एक कक्ष में ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ मिला, पंखे टूटे हुए मिले। इस सब की जानकारी विद्यार्थी द्वारा कक्षा शिक्षक को देने के साथ प्राचार्य को दी गई। प्रभारी प्राचार्य सौदान सिंह सूर्यवंशी ने मौका मुआयना किया। उन्होंने तमाम जिम्मेदारों से पूछताछ की। मालूम हुआ कि स्कूल में विद्यार्थियों की कक्षाओं का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। वहीं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक डीएलएड के पेपर संचालित किए जा रहे हैं। दोपहर तक पंखे और बोर्ड सभी सुरक्षित था। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोपहर में 2 बजे डीएलएड द्वितीय वर्ष के पेपर संचालित हो रहे थे। 4 बजे के लगभग तेज बारिश शुरू हुई, पानी भी कक्षा में पहुंच गया था और इसी दौरान बिजली गुल हो गई। डीएलएड द्वितीय वर्ष का पेपर दे रहे विद्यार्थी पेपर लाइट जाने की वजह से नहीं दे पाए। संभवतः इसी उत्तेजना में उन्होंने कक्षा में तोड़फोड़ की है। वहीं प्राचार्य ने बताया कि केंद्र अध्यक्ष के माध्यम से उसे कक्ष के आसपास के तमाम वीडियो फुटेज एकत्रित किए जा रहे हैं। छात्रों की पहचान कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं सौदांशी सूर्यवंशी एमएलबी स्कूल प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य हूँ। और चूंकि आज बच्चों ने मुझे बताया है, क्योंकि हमारे स्कूल लगता है सुबह 7:30 से 1 बजे तक, क्योंकि दोपहर में स्कूल हमारा डीएलएड के एग्ज़ाम संचालित होते हैं 2 से 5। तो जब मैं आया, मुझे बच्चों की शिकायत करी कि सर हमारे पंखे टूटे गएंगे और बोर्ड भी तोड़ दिए गएंगे। तो जब मैंने खुद मैंने वहाँ आकर देखा मैंने क्लासों में, तो बाकी में पंखे लटकी हुई पंखे की जो पत्तियाँ मुड़ी हुई पाई गई और उसके जो ब्लैक बोर्ड भी टूट गए थे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा कल क्या स्थिति, कल तो हम बच्चे से पढ़ रहे थे और हमारे बोर्ड भी अच्छे थे, हमारे पंखे भी अच्छे थे। तब वो मैंने देखा कि कब की घटना होगी, क्योंकि हमारा 1 बजे तक तो स्कूल संचालित होता है, पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद मुझे लगता है कि फिर मैं चौकीदार से मैंने पूछा, चौकीदार से मैंने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारे पीरियड में टूटे होंगे ये रात में जब भी हुआ। तो चौकीदार के लिए के सर जी लगता है कि रात कल पानी गिर गया था बहुत ज़्यादा और पेपर हो रहा था वहाँ पर, और पेपर होने के बाद क्या हुआ कि बच्चे गदर कर रहे थे और जो पर्यवेक्षक कापी लेके बाहर आ गए होंगे वो, तो उस टाइम पे वो बाहर नहीं जाना चाह रहे थे वो बच्चे, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ उस टाइम पे बच्चों ने तोड़े होंगे वो। तो मैंने केंद्र अध्यक्ष से बात करी, मैंने तो केंद्र अध्यक्ष जी ने भरोसा दिलाया मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख के हम उसको ऐसे बच्चों पे हम प्रेस करेंगे, उनके लिए जवाब लेंगे। तो ये पूरी स्थिति है उनकी। छात्र कितने थे सर उस समय जो एग्जाम देने वाले? ये करीब 133 बच्चे पेपर दे रहेंगे और डीएलएड के द्वितीय वर्ष के पेपर थे। ये 19 तारीख को पेपर हुआ था और ये 2 से 5 संचालित होता है, और 2 से 5 संचालित होता है।